नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से सात समंदर पार अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी गिनती विश्व के पावरफुल देशों में होती है। आज के डेट में देखिए, एक ऐसी विश्व शक्ति है जिसके आगे टिक पाना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस विकसित देश में देखिए, 16 साल की उम्र में आप कार चला सकते हैं, 18 की उम्र में पिस्टल रख सकते हैं, वोट दे सकते हैं और 21 साल होने पर तो शराब भी खरीद सकते हैं। यहाँ आकर देखिए, हायर स्टडीज और साथ ही साथ नौकरी करना, डॉलर में कमाना अमूमन देखिए भारतीयों का ख्वाब होता है, और आज अपने इसी ख्वाब को हकीकत का रूप दे चुके भारतीय पूरे अमेरिका को भी चला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष पर भारतीय मूल के लोग ही काबिज हैं। मुल्क की राजनीति भी देखिए हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। मुल्क की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की है। राष्ट्रपति बाइडेन की कैबिनेट देखिए आधे से ज्यादा हिंदू सीनेट से भरी पड़ी है। तो वहीं अमेरिकी संसद से हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदुओं के तीज त्योहारों को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। एक तरह से देखे तो अमेरिका पर हिंदुत्व का रंग चढ़ता जा रहा है। लेकिन अमेरिका का एक और रंग भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है, साजिश है, विश्वासघात है। जी हाँ, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिकी धरती से हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने की साजिश रची जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो फिर भारत किस बात का हिंदू राष्ट्र रह पाएगा? आखिरकार जोशुआ प्रोजेक्ट क्या है जिसकी आड़ में हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है? क्या ये अमेरिका की साजिश है या फिर पीएम मोदी की दोस्ती से विश्वासघात? सच क्या है, देखिए धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी के साथ अमेरिका का विश्वासघात, हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को मिटाने की साजिश, जोशुआ प्रोजेक्ट से सनातन का खात्मा, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का षड्यंत्र, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लव जिहाद के खिलाफ योगी बाबू उम्र कैद वाला कानून लेकर आ चुके हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा हो या फिर देवभूमि उत्तराखंड की धामी सरकार, देश भर में देखिए धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाए जा रहे हैं। लेकिन जोशुआ प्रोजेक्ट के आगे देश के इन्हीं कानूनों की धज्जियां उड़ चुकी है। ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए 1995 में अमेरिकी धरती पर जोशुआ संगठन की नींव रखी गई, और आज यही संगठन देखिए एक मिशन के तहत हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। खुद जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट बताती है कि ये बाइबल में दिए गए एक निर्देश पर काम करता है, और सिर्फ भारत ही नहीं इसमें टारगेट है बल्कि दुनिया भर में ईसाइयत को फैलाना इनका मकसद है। और इसी मकसद को लेकर दैनिक भास्कर की तहकीकात कई खुलासे भी करती है। रिपोर्ट दावा करती है कि हर साल करीब 24 लाख लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है भारत में, जो कि जोशुआ प्रोजेक्ट का मकसद ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना और जगह जगह चर्च बनाना है। और इसलिए कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा, पीएम आवास दिलाने का लालच, फ्री हेल्थ कैंप। पहले 2 साल तो देखिए धर्म की पढ़ाई करवाते हैं, और फिर उसके बाद प्रचार के लिए 2000 रुपए सैलरी भी देते हैं। बकायदा एजेंट की आड़ में हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, और उन्हीं लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं जो या तो पिछड़ा होते हैं, आर्थिक रूप से बदहाल होते हैं या फिर अनपढ़। हर साल देखिए 24 लाख हिंदुओं का बैप्टिज्म, मतलब 100 में से 4 लोग धर्म बदल रहे हैं। और इसी जोशुआ प्रोजेक्ट की पोल पट्टी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने भी खोली है। जी हाँ, किस प्रकार से पीएम मोदी की नाक के नीचे अमेरिकी धरती से हिंदू राष्ट्र को मिटाने की साजिश अब की नहीं बल्कि सालों से रची जा रही है। खुद सुनिए अश्विनी उपाध्याय की जुबानी। नमस्ते, आपने जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? गूगल करिएगा एक बार, ईसाई मिशनरी जोशुआ, या इंग्लिश में गूगल करिएगा क्रिश्चियन मिशनरी जोशुआ। यह यूरोप का एक ईसाई मिशनरियों का एक नेटवर्क है, एक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट क्या है कि पूरी दुनिया भर के लोगों को क्रिश्चियन बनाना। क्रिश्चियंस में एक बात मतलब सबके दिमाग में भर दी गई है कि जब तक दुनिया में 51% क्रिश्चियन नहीं होंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। जैसे मुस्लिम्स कहते हैं कि जब तक पूरी दुनिया में 51% मुस्लिम नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, वैसे क्रिश्चियंस का मानना है कि जब तक 51% क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं होगा। जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा तब तक
सब कब्र में पड़े रहेंगे। मुस्लिम्स का कहना है कि जब तक 51% पूरी दुनिया में लोग 51% मुस्लिम नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक लोग कब्र में पड़े रहेंगे, जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं होगा। सेम वही क्रिश्चियंस में भी है, केवल वर्ड्स का फर्क है। वर्ड्स का क्या फर्क है? जब तक 51% नहीं हो, आज पूरी दुनिया में 51% लोग क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। तो क्रिश्चियंस में डे आना है, वो दिन का इंतजार कर रहे हैं डे ऑफ जजमेंट का। मुस्लिम्स क्या वेट कर रहे हैं? रात का इंतजार कर रहे हैं, कयामत की रात का। जब 51% क्रिश्चियन हो जाएंगे तब डे ऑफ जजमेंट होगा, डे ऑफ जजमेंट होगा तब कब्र में जो लोग पड़े हुए हैं तब ये तय होगा कि वो हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। जैसे मुस्लिम्स में कहते थे कयामत की रात के दिन तय होगा जन्नत जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे, वैसे ही क्रिश्चियंस का ये कहना है जब डे ऑफ जजमेंट होगा तब तय होगा कि हेवन में जाएंगे या हेल, स्वर्ग या नरक। और इसीलिए जैसे पूरे मुस्लिम्स पूरी दुनिया में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, खाड़ी देशों से उनको पैसा आ रहा है, उसी तरीके से क्रिश्चियंस भी पूरी दुनिया में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान में हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यूरोप से अमेरिका से पैसा आ रहा है, एफसीआरए के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन टारगेट यही है कि 51% क्रिश्चियन फॉलोइंग हो जाए। और बहुत बड़े पैमाने पे पूरा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया है, नागालैंड पूरा कन्वर्ट हो चुका है, मिजोरम कन्वर्ट हो चुका है, मेघालय पूरा कन्वर्ट हो चुका है, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है, मणिपुर में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है, गोवा पूरा तेजी के साथ कन्वर्जन चल रहा है, केरल में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन चल रहा है, और ये तो छोड़िए अब तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब तो पंजाब तक कन्वर्जन हो रहा है। और प्रोजेक्ट का नाम है जोशुआ, गूगल करिएगा एक बार जोशुआ, हिंदी में लिखिएगा जोशुआ या इंग्लिश में लिखिएगा जोशुआ, आपको समझ में जाएगा ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और आज ये अखबार में आया भी है कि जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में भी मीटिंग हो रही है, जोशुआ प्रोजेक्ट पर टारगेट हो रहा है। पहला टारगेट होता है कि हर पोस्ट ऑफिस, भारत में जितने भी पोस्ट ऑफिस है हर पोस्ट ऑफिस में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है हर पोस्ट ऑफिस में एक उनका चर्च बन जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है कि हर पोस्ट ऑफिस के आसपास उनका पोस्ट ऑफिस में एरिया में एक उनका स्कूल बन जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है कि हर पोस्ट ऑफिस में एक उनका हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है इनके जरिए इनका कन्वर्जन का पूरा खेल चलता है, जो क्रिश्चियन मिशनरी के हॉस्पिटल है इसके जरिए इनका कन्वर्जन का खेल चलता है, जो हर स्कूलों में फादर बैठा रखे हैं, हर हॉस्पिटल में सिस्टर बैठा रखे हैं, उनके जरिए एक पूरा इनका नेटवर्क चलता है कन्वर्जन का। दुर्भाग्यवश इस जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में भारत के 1% लोगों को भी नहीं पता है। इतना बड़ा खेल भारत में चल रहा है कन्वर्ट कराने का और जोशुआ के बारे में 1% भी लोगों को नहीं पता। दिन भर लोग व्हाट्सएप देखते रहते हैं, गूगल देखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, कभी जोशुआ के बारे में देखते भी नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस भारत को बचाना है तो प्लीज या तो सड़क पे उतरिए या सोशल मीडिया में लिखिए। कन्वर्जन तभी रुकेगा जब कठोर कानून होगा, इनकी फंडिंग बंद होगी, इनका तभी जाके धर्मांतरण रुकेगा। मुझे दुख इस बात का है, पूरा का पूरा एफसीआरए का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले भी थोड़ा थोड़ा उसका फायदा ले रहे हैं। पूरी की पूरी फॉरेन फंडिंग की थाली जा रही है मिशनरियों के पास, एफसीआरए के जरिए जो थाली आ रही है उसकी थोड़ी सी जूठन मिलती है राष्ट्र अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वालों को, लेकिन उस जूठन खाने के चक्कर में बहुत सारे अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले एफसीआरए का विरोध नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक एफसीआरए नहीं रुकेगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा। यहीं के हमारे ही हिंदू, 50,000 रुपए उनको महीने तनख्वाह मिलती है, 1,00,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, तो जब तक बाहर से उनको पैसा नहीं बंद होगा तब तक वो प्रचार बंद नहीं करेंगे, तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा। तब तक कानून भी बन जाएगा तो भी उतना सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कानून तभी सफल होगा जब फॉरेन की फंडिंग बंद होगी। तो कठोर कानून हो, फॉरेन फंडिंग रुके, एफसीआरए कानून खत्म हो, तब जाके कन्वर्जन रुकेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं
इस जोशुआ के बारे में, इस कन्वर्जन के बारे में रिसर्च करिए, देखिए, अधिक से अधिक सोशल मीडिया में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।